मारना खाना कुछ परे हो। चुप करो, आप चुप, बदतमीजी करती हो आगे से। आप चुप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? सभी ठीक ठाक होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और रमजान का 15वां रोजा बहुत बहुत मुबारक हो यार, इतना जल्दी रमजान गुजर रहा ना, बस पता नहीं चल रहा। और बस अल्लाह पाक बाकी के रोजे रखने की भी तौफीक दे और इबादत में स्पेशल याद रखें। आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। क्या करना है, अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। लेट्स गो। इसको मैंने शिमला मिर्च जो है वो मैंने डाल दी है, बोलता नहीं हमारे साथ, इसका ना वैर है सख्त। शिमला मिर्च इसको डाल दी है, लेकिन साथ साथ जो है ना थोड़ी थोड़ी खा रह चुकी है मार के। चुप करके खाओ, पूरी बिजी हो ना, मैं ये कर रहा हूं जी। इतना बड़ा काम जो है सर अंजाम दिया जा रहा है। क्या क्या बन रहा है? मटन बन रहा है आज? मटन बन रहा है नींबू के लिए। ठीक है, ये बर्फ तोड़ रहे हैं आप? मटन बना रहे हैं, इतना ना गला बॉडी ही टूट जाए। अच्छा, आज अम्मी अबू के लिए मटन बन रहा है, साथ में चिकन बनाऊंगी भी। मतलब तारी जो है ना तैयार कर दी है, मतलब स्टार्ट कर दी। अभी मैं बना रही हूँ चिकन। ठीक है, कैसा लग रहा है? तो खाके पता चलेगा, मसाले तो रेस्ट करो। ऐसे ही मसाले, लेकिन आपको बड़ा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग तरबूज का जो है वो जूस बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब्बू जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इधर जो है बना बना के एक अभी जग में जो है अभी हम इकट्ठा करेंगे, फिर बाद में जो शीशे का होगा उसमें डालेंगे बस। और साथ में इधर जो मसाला है टोनी का वो तैयार हो गया जी। सालन मैंने बनाया, इसकी फाइनल लुक जो है वो आप देख लें। ठीक है, थोड़ा सा बनाया था अपने लिए और अम्मी लोग के लिए, मटन है इसलिए मसाले वाला बना लिया था। चले आज टेस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना रोटी का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि 15 रोजे हो गए, घर में बनती आई है, अब थोड़ा ना तंदूरी की हेल्प ली जाए, थोड़ा सा टेस्ट भी जो है चेंज हो जाए। तो माशाल्लाह से अम्मी जो है वो, उनको काफी ज्यादा प्रैक्टिस है, मतलब लगाती रहती है। तो उन्होंने कहा है कि मैं जो है ना करती हूँ, लगाती हूँ, देखो सीखो कुछ। तो ये आग जो है अंदर देख लें आप, आग जो है वो जल रही है। अच्छा अम्मी जी, ये कब की है तंदूरी? इसको 20-25 साल हो गए। अच्छा, कितने साल नहीं लगाई, पड़ी रह गए। कल मेरा दिल किया भाई इसको लगाए, अचानक माइंड में आया इसको इस्तेमाल करें जी। माशाल्लाह से काम जो है वो आप देख लीजिएगा कि कितना अच्छे से करे। रोटी जो है वो बेल ली है अच्छे से और अम्मी जो है पानी लगा रही है उस पे, और बस बिस्मिल्लाह करके अंदर। अभी कैसे, कितने सालों बाद कैसे लगानी है? बिल्कुल कैसे लगती है पानी के साथ जो है अच्छे से? कोई नहीं लगती, फर्स्ट टाइम थी ना इसलिए। वो बात वाकई सच है कि ट्राई अगेन एंड अगेन, दूसरी बार की रोटी माशाल्लाह से देख लो कि बहुत ही अच्छी लगी है। चलें हम जल्दी से जो है बाकी मिलकर। और माशाल्लाह से फर्स्ट ट्राई थी, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी रोटियां बनी है ना, इनको चेंज जैसे ही हम लोग कर रहे हैं तो देख ले माशाल्लाह से फूल जो पड़ रहे हैं। और बाकी अब हम आपको तैयार दिखा देते हैं कि वो कैसी बनी है, ये देख लें जी माशाल्लाह। और आई डोंट थिंक सो कि तंदूर पे ऐसी रोटी बनती हो जैसे घर वाली तंदूरी पे बनती है। और मैक्रोनी जो है वो हमारी रेडी होगी कि फाइनल लुक इसकी आप देख लें। बहुत ही लाइट सी रखी है, क्योंकि जो जीशान है ना वो ज़्यादा स्पाइसीज आजकल नहीं ले रहे, इसीलिए उनके लिए, और उनकी मोस्ट फेवरेट भी है, मेरी भी साथ में फेवरेट है। तो मैक्रोनी बनाई थी, बाजी रास्ता को देनी है, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत शौक से खा लेते हैं इसीलिए। उसे तो आपकी कुकिंग पसंद ही नहीं है? नहीं, आज उनको अच्छी लगेगी, आज उनको अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने बना के जो है ना स्पेशली बड़े प्यार से। इफ्तार का टाइम बिल्कुल हो गया है, जितने आपके घर में शीशे के गिलास हो, लेकिन इफ्तारी टाइम पे ये बड़ा वाला मग्गा जो अपने नाम करने की बात है ना कि ए अल्लाह मेरा है, वो हो रही है। अब तरबूज का जो बनाया था हमने जूस वो पियेंगे। तबाह करो जनाब, इंस्टा पे मैं स्टोरी लांदी गई तो थोड़े सारे दी इतने बहुते कमेंट कि ए सूट तुसी कित्थों ले आए। तो चलो आज उसकी डिटेल जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो पहले सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं। इसका ट्राउजर ये अनस्टिच लिया था, लाइमलाइट से ड्रेस अनस्टिच लिया था, खुद स्टिच किया है और अम्मी मेरी ने स्टिच किया है, उन्होंने करके दिया। ठीक है, जो इसका ट्राउज़र है, शलवार कह लें उसको, ये है पिंक कलर में, सिंपल है बिल्कुल। साथ में ये थोड़ी सी पट्टी जो है ना इधर लगाई गई है कमीज़ की, लोन में है और कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई जो है इस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बस कलर ऐसा ना कि वो अट्रैक्ट कर लेता है। साथ में एप्पल ग्रीन कलर का ये है, ठीक है, और ये भी पैच थी जो कि इसको इसको गले के तौर पे यूज़ किया गया। वी में इसकी शेप रखी है, इधर पिंक कलर की लेस लगाई है क्योंकि इसमें ज़्यादा कलर पिंक भी आ रहा था। और साथ में बैग जो है बिल्कुल इसकी सिंपल है, ठीक है ऐसे।
और अगर इसके दुपट्टे की बात करें तो इसमें कुछ गोल्डन गोल्डन शेड आता है और कुछ ये आता है जी पिंक कलर में दुपट्टा, आप शिफॉन में कह लें वो है, ठीक है। और लेकिन बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने असली रूप की तरफ। आज बात कर लेते हैं कि मोस्ट हेटेड क्वेश्चंस की, जो कि आप लोग करते हो कि ऐसे अब क्यों शो करती हैं, बहुत ओवर एक्टेड है, आपको किसी फिल्म ड्रामे में होना चाहिए था, ये था वो था, आपका एक्सेंट जो है बहुत ही ज्यादा पेंडुओं जैसा है, ब्ला 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 ब्ला। तो सबके जो है क्वेश्चन है इस ही वीडियो में, ठीक है, सबके आंसर है इसी वीडियो में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है जी, मैंने कुछ के स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिए हैं। सबसे पहला है ये जी कि आपका एक्सेंट बहुत ज्यादा पेंडू है, तो जनाब जी बंदा जिस एक्सेंट में बात करता है वो सबसे वो एक उसी में करता है, और बजाय इसके कि आप शो ऑफ कराओ ज्यादा इंग्लिश बोलो और इंग्लिश के आपको इतने वर्ड्स ना आते हो तो वो ज्यादा बुरी बात है। जैसे आप अंदर से हो ना वैसे ही बाहर से आपको चाहिए कि शो करो बस, ठीक है। ओवर एक्टिंग हो, बहुत ज्यादा शौकी हो आप। अच्छा, ओवर एक्टिंग इसलिए क्योंकि मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, आपको पता ही है इस बात का। तो ओवर एक्टिंग इसलिए कि मैं आप लोगों को सिर्फ इंटरटेन करने के लिए, अब कोई बंदा इंट्रो ले रहा है अलमारी के अंदर से निकल के, तो आप खुद समझ जाएं कि हमें इंटरटेन करने के लिए हो रहा है। अगर मेरी वजह से आपके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाएगी तो मेरे लिए भी बड़ी खुशी होगी, यार कोई प्यार करता है इतना, कोई अच्छे लफ्जों में याद रख रहा है, ये है वो है, और ऐसी कोई बात नहीं होती। फिर सोचने का अंदाज होता है कि बंदा कैसे सोचता है ये। और साथ में आपका ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है कि आप लोग मतलब कि कोई भी गेट टुगेदर करते हो आप लोग अपने बड़े भाई को क्यों नहीं बुलाते, इन्हीं के जो मेरे जेठ हैं उनको क्यों नहीं बुलाते, तो उसका ये आंसर है कि वो हमारी शादी में नहीं आए थे। फिर जाहिर बात है जब कोई बंदा आपकी खुशी में शरीक ना हो तो फिर आप उसको कैसे कह सकते हो कि ये बंदा आपके साथ बहुत सिंसियर हो सकता है, आई डोंट थिंक सो। बस इसका जो है ना यही आंसर है। साथ में मोबाइल की स्क्रीन जो है टोटली बंद हो गई है, मुझे ऑन करना पड़ेगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका कि आप अम्मी से कुकिंग कराती हो खुद नहीं बनाती कुछ, उसका ये आंसर है कि अभी जाहिर बात है शादी को साल हुआ है, अभी मैंने बाकी काफी चीजें बनाना सीख ली है, लेकिन अम्मी जो है मेरी खाला लगती हैं और वो मुझे साथ साथ गाइड करती हैं हर चीज के बारे में कि बच्चे यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर अच्छा लगता है। और साथ में वो भी अकेली होती हैं, मैं भी अकेली होती हूँ, फिर हम लोग किचन में इकट्ठे अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, वो मेरी मदद करती हैं मैं उनकी, और बस ऐसे टाइम जो स्पेंड हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा और पॉजिटिव सोचा कर रहे चल परे मार ना खाना कुछ परे चुप करो आप चुप बदतमीजी करती हो किसे आप चुप करें नहीं और साथ में आपका ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, इंस्टा पे मैं लाइव आई तो आपने कहा कि आपका और हस्बैंड का रूम अलग अलग है या आप नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो गए हो, तुम्हारा घर है छोटा सा बट उसमें कमरे जो है ना काफी ज्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बंदे का फिर जिधर दिल करे बैठ जाए, जिधर नहीं तो नहीं। नीचे हम इसलिए बैठते हैं, आज आपको रीजन बता ही देती हूँ, सबर करें आप रीजन बता देती हूँ। असल में हमारा जो है ना मतलब नीचे नेट की स्पीड बहुत ज्यादा आती है, रूम में नहीं आती, अब हमें नेट का ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमने पबजी खेलनी होती है, सो इसीलिए उनके साथ कभी बैठ जाती हूँ खाना शाना खा लिए वो। और मुझे ये तीन चार क्वेश्चन बहुत दिनों से तंग आ रहे थे कि आपके साथ इसका शेयर करूं, और अब तक आपने एंजॉय किया होगा, जल्दी जल्दी मैंने आंसर दिए हैं, वीडियो के बारे में लाजमी बताइएगा, और तबीयत थोड़ी सी खराब है दुआ भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्या मतलब